नमस्कार मध्यान खबर सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला डीएफओ को चली पचराउचरा आंबुलांस ड्राइवर को मध्य जेरा सेपटे सामना को आसला एसीएफओ सौम्यरंजन हाथलेखा चिठी लिखिंट मु चाकरी रु इस्तफा दे तुम चाकर हेबी पुलिस सुरक्षा रे चली गो हत्या कटक केशरपुर आसला सांघातिक अभियोग गो चालाण नहीं सबु नहीं जाणी चुप पशिछि मंगलाबाग आईआईसी कहते ईद पर गोरु आनी स्थानीय लोकंर नहीं कौन अभियोग कहीं काबुरे आसुनी करोना मुख्यमंत्री कोविड समीक्षा वर्तमान स्थिति और तृतीय लहर मुकाबला नहीं आलोचना कमुनी करोना मृत्यु पुणि 69 आक्रांतों जीवन नेला महामारी खोर्धार सर्वाधिक 26 मृत सब 24 घंटे 1917 नुआ पॉजिटिव उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और तार आखपाख अंचल में लघुचाप प्रबल वर्षा पर 23 जिला को येलो वार्निंग सका पारादीप सर्वाधिक 122 मिलीमिटर वर्षा रिकॉर्ड 27 आसुची आउ एक लघुचाप आजु टोकियो रे खेल महाकुंभर शुभारंभ अपराह 4:30 हेबो उद्घाटन कोरोना कटकणा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मना 85 मेडल इवेंट रे लढ़े भारतीय खिलाड़ी टोकियो ओलंपिक्स रे 6 ओडिया खिलाड़ी ऊपर नजर दौड़राणी दूती चांद पदक आशा रखी बाहर भारत खिलाड़ी को बेस्ट ऑफ लक कहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज महाप्रभु नीलाद्री विजय रत्न सिंहासन को फेरबे चतुर्धा मूर्ति सांगरे नहीं नथिबारु रोष करिछंती माल महालक्ष्मी रसगोला खुआई मानभंजन करिबे कालिया सांते देखो संपूर्ण खबर एसीएफ सौम्यरंजन डेथ मिस्ट्री अर्गस 7 एक्सक्लूसिव चिठी पत्नी विद्याभारती चिठी पर अर्गस 7 लागिला सौम्यरंजन हाथलेखा चिठी ए चिठी सबु सौम्यरंजन फेब्रुआरी 22 और 23 तारीख में लिखिंट एपरिक चिठी में तारीख सौम्यरंजन निज चिठी में स्त्री समस्त आवश्यकता पूरण करने को प्रतिश्रुति मु केवल तुम खुशी चाहे तुम शिक्षागत योग्यता मोप कि नुहे एपरिक विषय केवे कि पचारि ना बोली सौम्य लिखिं चिठी को नहीं अधिक तदंत कर साइंटिफिक टीम चिठी स्पष्ट हो दुहीं ऑल इज वेल नथिला अर्थात सबकि ठीक ठाक नथिला किंतु समाधान पर प्रस्तुत थिले सौम्य चिठी में चाकरी छाड़ विद्याभारती सबु कथा मानवा निष्पत्ति हस्तक्षेप नक विद्याभारती क्वालिफिकेशन को नहीं प्रश्न न उठाइबा भली कथा लिखाई आप अर्गस टीवी माध्यम से चिठीर एक्सक्लूसिव भिजुआल देखिपे तेज यह क्राइमब्रांच और साइंटिफिक टीम किभली तदंत कर समस्त नजर रही तो से एक्सक्लूसिव चिठी आम आप पहुँचाऊ अर्गस स्क्रीन माध्यम रे जो आप देखुं फेब्रुआरी 22 और 23 रे ए चिठी लिखिंट सौम्यरंजन जो थे सी सीधास्थ लिखिंट से विद्याभारती किसी भी करने को प्रस्तुत विद्याभारती कौन निष्पत्ति हस्तक्षेप करे ना एवं तसहत विद्याभारती जहाँ चाहते ताकि स्वाधीनता देवे 22 और 23 फेब्रुआरी लिखिं सौम्यरंजन चिठी आउ तांको निष्पत्ति हस्तक्षेप नक चाकरी छाड़ विद्याभारती सबु कथा मानवा ए सबू घटना को उल्लेख कर सौम्यरंजन महापात्र फोन आसला परे आम तो आंबुलांस नहीं साढ़े 10 टू 10 15 साढ़े 10 भितर मेडिकल नहीं रखीदलु तापर आम अथॉरिटी फोन कले तो आम खाई रेडी जाओ एसीबी गोटे केस अच्छे आम खाई रेडी होलु तापर एसीबी आम जीवाई प्रिपेयर हेलु गाड़ी लगे देखनी 10 साढ़े 10 रू 11 भितर आम गाड़ी लगेगला से मेडिकल तापर पेसेंट तो आसला जगला देखनी फुण आते पेसेंट लोड है गाड़ी 11:30 रू 12 भितर आज बाहर आम तापर फॉरेस्ट गेट रे मैडम पेसेंट सागर किए ना आज्ञा आम गाड़ी छाड़ला बेले
ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିପାରିନି କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ। संतोष जेना आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना सीधासलख नहीं चलु। संतोष, डीएफओ को जेरा केते बाट आगे केते समय धरी वर्तमान जेरा चली, माराथन जेरा जहाँ को कहा जाऊँ? देखो निश्चित भाव पखापाखि एक घंटा धरी प्रथम लोकाल पुलिस अर्थात पारलाखेमुंडी पुलिस केस्र आईओ आईआईसी और सहित एसडीपीओ तार 20-25 मिनिट पर क्राइम ब्रांच निहत भाव में बर्तमान समय आप देखुं जे बर्तमान भी कबाट बंद अच्छी अर्थात गोटे क्राइम ब्रांच चारजिया टीम एवं लोकाल पुलिस गोटे 4-6 जनिया टीम बर्तमान समय जेरा करहत भाव में अनेक कि कथू उत्तर आशा कराई कहीं संग्राम केशरी बेहरा जे बनखंड अधिकारी अच्छा नहीं अनेक चर्चा धरीला अर्थात तो ये केस रे से मास्टर माइंड बोली कहला और मुख्य अभियुक्त भाव में मामलें ना रही केबे जेरा करबे तदंत परिसरभुक्त या भितर कि संपर्क रही विद्या भारती समरंजन भितर तृतीय लोक जीए से डीएफओ कि एमती अनेक प्रश्न मन में उकी मारुला जो नजर को दिगला निहती भाव में ये कथा बर्तमान सामना को आसला। बर्तमान समय दीर्घ समय धरी जेरा चली अपेक्षा से समय को जिते क्राइम ब्रांच अधिकारी मैंने तदंत सारे और डीएफओ स्पष्ट कौन रखिले और सबुठ बड़ चैलेंज हूँ जो अभियोग डीएफओ ना सारा राज्यव्यापी हो पूरा ओडिशार गजपति पुलिस उपर नजर रही गजपति डीएफओ नजर रही तेज डीएफओ निजर स्पष्टीकरण रखे कि आसुवा अभियोग के सत्य अच्छी केिछ अच्छी प्रकृत में सहित किसी विद्या भारती संपर्क थी कि प्रक्रिया प्रीति में सामिल होते कि एमती अनेक कथ बर्तमान समय डीएफओं पर प्रश्न उठी जो स्पष्टीकरण रखार आवश्यकता अच्छी क्राइम ब्रांच पुलिस जेरा पर क्राइम ब्रांच तो प्रतिक्रिया दब दब से समय डीएफओ भी प्रतिक्रिया देवे कि नहीं ताकू नहीं बर्तमान प्रश्न उठी कहीं घटनार गोटे दुई दिन पर निजे बनखंड अधिकारी प्रतिक्रिया रखिते किंतु तापर कौन भी प्रकार प्रतिक्रिया रखिले ना और दीर्घ दिन धरी अफिस अनुपस्थित हैपर पुलिस सहित से जोजोग कथ कहगला आज जो क्राइम ब्रांच पुलिस तदंत करने अफिस पहुंचती से कार्यालय को आसती निहत भाव में जेहेतु जे आईएफएस अधिकारी स्कानर में पुलिस रखी है निहत भाव में किभली भाव में आज जेरा कराऊ कि अगर कौन प्रकार खसे देवाई अर्थात विरोध में कौन प्रकार अभियोग न आने सेमती गोटे षड्यंत्र चलती कि गोटे लोक मन को आसक प्रश्न भी उंकी मार्च अपेक्षा केते शीघ्र जेरा करुवा अधिकारी मैंने आसी गणमाम स्थान में प्रतिक्रिया रखे और यह घटन डीएफओ कौन संप्रत से कथा नहीं स्पष्टीकरण रखे और डीएफओ कि स्पष्टीकरण रखे अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना आम प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते पुणि थे परवर्त मुहूर्त आपको फेरब अधिक सूचना कि भाव आज डीएफओ को जेरा करलाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें शेष में पुलिस डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा को जेरा कर आज पूर्वाह्न प्राय 11टा बेलू पुलिस टीम पारलाखेमुंडी डीएफओ कार्यालय पहुंची तांकु जेरा कर जेरारे एसडीपीओ और आईओ सामिल अच्छा सौम्य मृत्यु मामलें तांक पत्नी विद्या भारती डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा और रोसेया मन्मथ कुंभों संप्रति थिबा प्रथमरु सौम्यों परिवार लोके अभियोग करि आसुथिले विद्यांक सह डीएफओ अनैतिक संपर्क थिबा बेले सौम्यों बाटरु हटाइबा को एपरि षड्यंत्र करा जैथिबा सौम्यों परिवार लोके अभियोग करिछन्ते। पूर्वरु विद्या और रोसेया को पुलिस जेरा करिथिबा बेले आज घटनार अन्यतम मुख्य अभियुक्त डीएफओ को जेरा कराजिबा प्रक्रिया मध्य आरंभ होइछि जेरा चालिछि वर्तमान घंटाए धरी डीएफओ को पुलिस और क्राइम ब्रांच रो टीम जेरा करुछन्ते। सबड़े चर्चार डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा एक पुराणा भिडियो सामना को आसी रेढ़ाखोल पूर्वतन डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा एक पुराणा भिडियो सांबादिक मानकु खराब व्यवहार देखा देखा मिलीचे 2019 अक्टोबर मसने राइल जंगल एक हाथीर मृत्यु होता गणमाध्यम प्रतिनिधि से समय खबर संग्रह करने को जाइले खराब व्यवहार कर जंगल सम्राट यही कहवा सहित से स्थानु सांबादिक पलई जावाक कही डीएफओ
पोस्टमार्टम हम डॉक्टर आसे वीएस आसे आपन पहुंचबे आपन आउ के अपेक्षा करू नंदी व्हाई आर सो वरीड अबाउट टेकिंग दैट फोटो आई डोंट अंडरस्टैंड अरे आपन कोन अंडरस्टैंड कर भाई आपन आसी नंदी आपन कोन नंदी मो त आसी नाही हां आसी नंदी आपन सम्राट ना जंगल रो हां मो सम्राट बेस बेस आई एम सम्राट बेस बेस हां हम जेने हिंदी माने धोखा धोखा माला ढो बाहर करबे नहीं हां हां जहां करबा कथा मोर जा कर तबे नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल तबे आपण करबे आपण जहां पद प्रभाव जन करबे पूरा आईएफएस ऑफिसर आपण माने ब्री आईएफएस आई डू लाइक दैट हां हां आई एम डूइंग लाइक दैट बिकॉज़ आई नो व्हाट आई सपोज आई एम सपोज टू डू हैला यू आर नो सपोज टू डू दैट देन यू टेक केयर व्हाट एवर यू कैन डू यू डू यू डू एडी कट ऑफ करो और ये तुरंत हां करो कंट्रोल करियो करो तो बाहर कर दियो हां कहीं काबुरे आसुनी कोरोना राज्य में कोविड स्थिति को नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा वर्तमान स्थिति और तृतीय लहर मुकाबला नहीं आलोचना बैठक में मुख्य शासन सचिव उपमुख्य शासन सचिव प्रमुख उपस्थित रही थे कोविड मुकाबला पर आगामी रणनीति प्रस्तुत कर राज्य में कमुनी कोरोना जनित मृत्यु संख्या पुणी 69 आक्रांत जीवन नहीं महामारी यह सहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5377 में पहुंची से केवल खोर्धा जिलूर 1003 जन मृतक रही राज्य में गत 24 घंटे 1917 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्ह होती 1109 जन क्वारंटाइन बाहरी बेले बाकी 808 टी लोकाल केस रही नुआ आक्रांत मध्य खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 518 जन या कटकु 256 पुरी 118 जगत सिंहपुर 92 अनुगुल 91 और स्टेट पुल 109 जन अच्छा राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 963851 पहुंची से 939160 जन सुस्थ होता बेले 19261 जन चिकित्साधीन रही तबे देश में कोरोना संक्रमण कमिबार लगी 4 लाख ट्रेंड पर दैनिक आक्रांतों संख्या 2 लाख और एवं 1 लाख तलकू खसी यह गत 24 घंटा मध्य देश में 50,000 कम कोरोना संक्रमित चिन्हट होता बेले 483 जन मृत्यु हो स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 24 घंटा 35,342 आक्रांत चिन्हट होते से नूतन आक्रांतों मिसाई देश में समुदाय संक्रमित संख्या 3,12,00,000 93,062 पहुंची यह व्यतीत मृत्यु संख्या 419,470 पहुंची समुदाय आरोग्य संख्या 3,04,68,079 रही बेले देश में एवं भी 4,05,513 सक्रिय आक्रांत अच्छा ओडिशा उपरे सक्रिय लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और तार आखपाख अंचल लघुचापर प्रभाव में प्रबल वर्षा संभावना 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग केन्द्र खोर्धा कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर पर जिले में वर्षापाई सतर्क सूचना जारी करा जाइछे सकाळु पारादीप सर्वाधिक 122 मिलीमीटर पुरी में 121 और चांदबाली में 86 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे सेपटे 27 आसुची आउ एक लघुचाप आईएमडी अनुसार लघुचाप प्रभाव में आसंता 23 रु 25 तारीख पर्यंत ओडिशार उपकूलवर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है यह समय पवन रेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर को वृद्धि पाई लघुचाप प्रभाव में आगामी किछि दिन समुद्र अशांत र प्रबल वर्षा जो कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि घर भितर पशिला पा यहाँ प्रतिवाद कर 57 नंबर जातीय राजपथ अवरोध कले बस्ती बासिंदा गतकाल रात प्रबल वर्षा जो बौद्ध सहर खदालपड़ा और मुसलिमपड़े कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि ड्रेनेज समस्या जो प्रतिवर्ष टिके वर्षा हेले घर भितर पा पशि लहड़ा मारुचे एवं विभिन्न आसबावपत्र पानी से बुड़ी नष्ट घर को साप बेंग पशुथबारु बस्ती बासिंदा आतंकित अवस्था रहुछन्ते तो बौद्ध रही चित्र आसे पहुंचुची जे प्रतिवाद करुछंती लोके प्रबल वर्षा जो कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि होउछि
57 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करिछंती लोके घरे केमळे बापे पानी पसुची एपडकी साप बेंग घरे पसुतबारु लोके भयभीत अछंती बहुत सहर खदालपडा ओ मुस्लिम पडारे एइभळी परिस्थिति सृष्टि होउची ए परिस्थिति केवल एइ वर्षर नहे प्रति वर्ष मुंदाए वर्षा हेले घरे पानी पसुची आंठी आंठी पानी घरे पसुची एवं साप बेंग पसी लोके हैरान हरकत होउचंती एने स्थानीय प्रशासन को बारंबार जणाइबा पर मध्य प्रशासन तरफ कौनसी व्यवस्था करा जाय नै समाधान फल लोके बाध्य 57 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करिछंती घरे वर्षा पानी आ वर्षा पानी रे घरर आसवापत्र बुड़ुची भासुची जार चित्र सामना को आसुची अन्यपटे चित्र होउची 57 नंबर जातीय राजपथ जेउठी खदालपड़ा और मुस्लिम पड़ार बस्ती बासिंदा माने सामना को आसी रास्ता रोक करिछंती जे पर्यंत से समस्या समाधान करा जाय नै से पर्यंत रास्ता रोक चलिबो प्रशासन आसी पहुँचु एवं बारंबार जो प्रतिश्रुति देउची ता पारण ता पूरण करू केवल प्रतिश्रुति नुहे पूरण करिबा दिगरे मध्य प्रशासन तत्परता प्रकाश करू बोली बस्ती बासिंदा दाबी करिछंती कहाँ को दायी करेंगे आम पूर्वपुरुष गोटे ड्रेन थी ड्रेन टाक बर्तमान सेपट लाइन में घर करदे कि मटी पक तो से पाने जापना तो से एनएससी की बारंबार कम्प्लेन कराई कर फल जीरो तो किसी भी मानने सल्यूसन किसी भी बाहर आम हो बहुत एनएससी पांच नंबर वार्ड आम समस्या है प्रति वर्ष वर्षा टिके भी वर्षा हो वर्षा अल्प है घर भर को पा पशि जा पुलिस सुरक्षा रे गो हत्या गो चलाण कटकु आसी सांघातिक अभियोग एक वायरल टेलीफोन वार्तालाप को नहीं बिवाद को आसी मंगलाबाग थाना आईआईसी अमिता महापात्र कटक रे एक अंचल रे गाई मानकु बंधा जाइछि ओ गो चलाणार आशंका रहितबा देवसेना ओडिसा महिला शाखार मुख्य मंगलाबाग थाना आईआईसी को जणाइथिले हेले फोन रे मंगलाबाग थाना आईआईसी कहउछंती सेमानकर पर्व अछि सेमाने सेभली करि पारिबे एथिरे कोनोसी बेआइन नाही तेबे ओडिसा रे गो हत्या बंद पई 1960 रे आईन प्रणीत होई छी तेबे मंगलाबाग थाना आईआईसी कोन कथा होती जिते अभियोग जितेबले दृष्टिकोण आ जाता कौन से जवाब दे जार ऑडियो क्लिप आम हाथ में लगे आसन शुणा आउ प्लीज मो पाखरे वीडियो मध्य अछि किछ रिकॉर्डिंग करिके से माने रखि छि मो पाखु को ऑलरेडी कोन इलीगल गो चलन चलछि कोन आंदी कोन इलीगल गो चलन मन त आज तकर पर्व चलछि से मुस्लिम बस्ती गो चलन कोन हला आगे जति के हम पाखु इन्फॉर्मेशन आछि सेठी सब गोरु मान को कोन सप्लाई करा होछि आज्ञा सप्लाई हबो तंगर से त आंचंती तंगर खाइबा पई से तंगर करछन पर्व चलछि तंगर तंगो बस्तेले आगे आगे एटा तांकर मुस्लिम बस्ती रे तांकर ईद चलछि से माने तांकर आनचंदी तांको पई आ सर हेले बे हमर गोमाता को सेफ करबा हमर दायित्व ना मुस्लिम बस्ती रे से तांकर ये करचंदी कोनसी लोकंकर किछ सेति ऑब्जेक्शन नाही हां जी किंतु हेले बे सर हमर हिंदू संगठन रो गोमाता कथा हिंदू संगठन काली आसीबे मो सते कथा हेबे मते लेखि देबे बट एबे तो माने गुरु चालन जदी एबे किछ एबे किछ तादरे किछ ऑब्जेक्शन नाही कि लोकल किछ असुविधा नाही सर मंगलबाग अमिता महापात्र प्रति जवाब देते शुभ्रा महांती को जेकि महिला मोर्चा सभापति हिंदू राष्ट्र संगठन देवस्थानार आम सहित अच्छा सीधा आलोचना करने मैडम महांती आप दिन जनाइले मंगलबाग थाना आईआईसी को मैडम तो मंगलबाग थाना आईआईसी कारनामा सामना को आसी सीधा सल से कहते पर्व चली एणसी बेआईन ना कि ओडिशा रे 1960 आईन प्रणीत हो गोहत्या बंद पर गोचालाण बंद पर जितेबाला जन महिला इन अभियोग कर आईआईसी मंगलबाग अमिता महापात्र किभली भाव अणदेखा कर ऑडियो मध्य वायरल होइछि जहार ऑडियो आम पाखरे लागिछि किछ समय तळे आमे आपन पाखरे पहुँचाउथुलु जे एभली सांघातिक अभियोग आसीछि जे पुलिस सुरक्षा रे गो हत्या गो चालन चलीछि वर्तमान गो चालन चलीछि वर्तमान ओडिसा रे
महेश साहू विश्व हिंद परिषद सभापति आम सहित अच्छा अधिक आलोचना करने श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची जे प्रकृत में पुलिस किभली भाव मनोवृत्ति कहुपे गोटे पटे जड़े महिला अभियोग आणुच्चे गो चलाण गो हत्या करे आशंका करूँ पुलिस खामखेल भाव उत्तर देखते अमिता महापात्र मंगलाबाग आईआईसी नमस्कार आपण वर्तमान जो ऑडियोटी शुणाऊ से ऑडियो शुणिला परे एक कथा निश्चित भाव में आम कहीपर जे सेठी जो गोचालाण हो गाई माने जो अच्छा ये जो पुलिस ऑफिसर अमिता महापात्र कहिले जे तांकर पर्व अच्छी से माने खाइबे एवं से माने सेठी गाई रखी काटिबा पाई सेठी किछि कंप्लेन नाही एथिरु बुझा पड़ुची जे बोधुए एई आईआईसी को से कहिकिरे कामटी करचंदी अर्थात सेठी गोचालाण पाई ए आईआईसी तांकु परमिशन देचंती अनुमति देचंती एक कथा अनुभव करा जाय पारे जहां तांको वार्तालापर जणा पडुची अतएबे 1960 मसीहारु गोहत्या निरोध आईन ओडिशा रे थिले मध्य आज पर्यंत ताकु राज्य सरकार कड़ाकड़ी भाव में पालन करूनाहंती एवं आज ओडिशा रे अबाध गोचालाण गोहत्यार जदि मूल काहाकु कहा जाए ताहले पुलिस प्रशासन उपर बारंबार अभियोग हे आसुची आज अमिताभ महापात्र प्रमाणित करदेले जे आम सहयोग रे आम गोचालाण करुचु तमे केही पाठथुंड करो नाही जो सांडघाट कथा कह जा पुलिस गोरु माफिया भितर के उठना के अमिता महापात्र प्रमाणित करम सहित जो मैडम अभियोग से दिन करते आम सहित से अच्छा शुभ्रा महांती महिला मोर्चा सभापति हिंदू राष्ट्र संगठन देवसेनार मैडम महांती आप के समय अभियोग कले अमिता महापात्र कौन निर्दिष्ट भाव अभियोग कले मैडम शुभ्रा महांती शुणिपार ओके श्रीयुक्त साहू पुणी थोड़े आपण पाखु फेरबाक चाहिबी जे आईन मध्य 1960 रे स्पष्ट भावे अछि जे ओडिशा रे गोहत्या बंद ता सत्य अमिता महापात्र गोटे थानार अधिकारी मध्य अछि थाना दायित्व रे अछि तांको अंडर रे लक्ष लक्ष लोक मध्य अछि से प्रकृत रे आईन संपर्क रे अज्ञ अछि ना जानी सुणे एभली प्रशय दिया जाउछि से जानी भल भाव जे सी एक कहले भी तांकर किछ असुविधा नहीं कारण एटे राज्य सरकार गोहत्या को अणदेखा कर राज्य सरकार जाणीशुणी की आईन को अनुपालन करूना आईन अभियोग आज राज्य सरकार जाणीशुणी आईन को अनुपालन करदी करू था राज्य ट्रक ट्रक गोमाता राजरास्ता देकरी कलिकता देकर बांग्लादेश को चालाण होड़शा सरकार इंटेलिजेंस कौन जापनी ओडिशा सरकार गुइंदा विभाग कौन ये फेलुअर जदि फेलुअर ताले राज्य सरकार एक कथा को स्वीकार करूँ जे आम जापारू कारण एक भी से कहीपर कारण जदि जापारू कह गुइंदा विभाग उपर प्रश्न उठ से जाणीचर कौन से आक्शन नौ नमें कौन कहीपर जे राज्य सरकार आंतरिकता ना एवं गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी को खुशी करने राज्य सरकार एभली करुचंती एथरे आमे बुझा पड़िबो जे भोट कांगाळ राजनेता माने राजनीति करिबा पई एथरे भी भोट बैंक पॉलिटिक्स अछि बिल्कुल कारण संख्या लघु लोकमानकु संतुष्ट करिबा पई राज्य सरकार आकु आखि बंद कर देइचंती आ एटा ही आमो राज्यर दुर्भाग्य जे एठी आईन थाई मध्य सह सह संख्या रे ट्रक रे गोरु माने चालान होचंती एकोडा कथा राज्य सरकार जानि पारु नांती पुलिस विभाग जानि पारुनी पुलिस विभाग जानिले मध्य नीरव द्रष्टा साजुची कारण तांको भितरे जो मधुचंद्रिका अच्छी तांको भितरे कांटेक्ट हो जाइछि एमाने ताकु सुरक्षा दउचंती एमाने धरिबे कोन आज्ञा स्पष्ट भाबे सुयुक्त सब आपण कोनांती कहा भितरे मधुचंद्रिका अच्छी का भितरे कांटेक्ट अच्छी किए सुरक्षा दउछि एबं स्पष्ट भाबे कोनतु देखंतु पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकारंकर जानतरे पुलिस प्रशासन एवं गोतस्करी गोचालाणकारी जो दलाल अच्छा से मानक सांगरे आंकर भल संपर्क एम होती भाई भाई उपर को केवल जदि किए कम्प्लेन करने को गला कौटी का बाहर टिके जमती करोकदेखाणिया टिके देखा दिंती ना बास्तव में जदि राज्य सरकार पुलिस प्रशासन सठिक ढंग से आईन को पालन करने चाहिए ताहले ओडिशा रे गोटे गोचालाण हो पार ना तेणु एथपाई मुझे अभियोग करुच्ची राज्य सरकार पुलिस प्रशासन संपूर्ण ओके पुणर आसन शुणा जे शुभ्रा महांती महिला मोर्चा सभापति हिंदू राष्ट्र संगठन देवसेनारे से दिन मंगलाबाग थाना आईआईसी अमिता महापात्र को कौन अभियोग आनी यार उत्तर प्रत्युत्तर कौन अमिता महापात्र जवाब देते ऑडियो टी पुणी आसन शुणा
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେବସେନା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ ଦେବସେନାର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସାର୍, ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାବାଦ ପାଖରେ ଯୋଉ କେଶରିଆ ଅଛି, କେଶରପୁର, ସେ କେଶରପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ କବରସ୍ଥାନଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମହାମୟ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଳନ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଇଲିଗାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେଠି ଦେବସେନା ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଲାଣ ଚାଲିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଲାଣ? ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ସେଟା ମୁସଲିମ ବସ୍ତି, ଗୋଚାଲାଣ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି ସେଠି ସବୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କଣ ସପ୍ଲାଇ କରାହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଆଉ ଆପଣ ସେଠିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରିବୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମତେ କହିଲେ କି ସେଟା ତ ଇଦ ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେଟା ତ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଖାଇବେ ନା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବେ, ବଟ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଗୋମାଂସ, ଗୋରୁ ମାଂସ ତ ଆମର, ତ ଗୋମାତା ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହିସାବରେ ମୋର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 10ଟାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଫଆଇଆର ଯଦି ଦବାର ଦେବେ ତାହେଲେ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମର ଗୋମାତା ମାନେ ରହିବେ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ରାତି ରାତି କାଟିଦେବେ। ତ ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଫଆଇଆର ଦବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମାନଙ୍କର ଗୁଳି ହଉଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଉଛୁ ନା, ଆଉ ଜାଣିବା ଭିତରେ କଣ ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେନି ତାକି ସେ ତା ଭିତରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋମାତା କଣ ସେତିକି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନନ୍ କୋପରେଟ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନେଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରୋଡରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆମର ଦେବସେନାର କିଛି ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା। ସେମାନେ ବାଇକରେ ଯେତିକି ପାରିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ, ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ବି ପଶି ପାରୁନଥିଲେ, ରୋଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତିକି ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ବି କରିଛୁ। ତା ପରଦିନ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୋର ଦେବସେନା ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ସେ ବିଲକୁଲ କୋପରେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ବଟ ମ୍ୟାଡମ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନ ଦେବେ, ମ୍ୟାଡମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ରେସପଣ୍ଡ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ରେସପଣ୍ଡ ବି କଲେନି। ତ ମୁଁ ଦେବସେନା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଫୋନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳେ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେମାନେ ବି ମତେ କହିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର କଲ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିଲକୁଲ ରେସପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ଭରସାରେ ସେଠି ଯିବୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ? ସେଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଠି ପର୍ବ ତାଙ୍କର, ସେ ମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ହାଣି କୋଠି ହାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ବମ୍ ଫମ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଣ କରିବା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ କୋପରେଟ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କଣ କରାଯିବ ନା? ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତା ଭିତରେ ତ ଗୋମାଠା ହାଣି ହଣା ହେଇଯାଇଥିବେ ନା? ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଖେନାରେ ସେଠି 60-70 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଆଉ 4-5 ଜଣ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ରେସପଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି
କଲ୍ ଫଲ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ, ସେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଦେବସେନା ତରଫରୁ କିଛି ପର୍ସନାଲି ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଆପଣ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଯାଅ ପିଲାମାନେ ଦେଇକି ଆସ, ତ ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଦେବୁ, ସେ ତ ସବୁ ହଣ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି କନଫର୍ମ ତମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଖିଣିକା ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଡକେଇବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି। ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ସେ ବସ୍ତିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତ, ସେ ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ହାଣିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ନହେଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ନହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତ କଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀକି ଖବର ଦେଇଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀକି ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଆମେ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଯାଇକି ସେଠି ଏତେ ଗୁଡାକ କାମ କଲାବେଳକୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ 4-6 ଜାଗା ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଧରାହେଇକି ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଖବର ବି ଆମେ ପାଇଲୁନି। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଏନେଇ ଖବର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଏନେଇ ଦେବସେନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅମିତା ମହାପାତ୍ର ବେଖିଆଲ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ସାହୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।